पिछली कक्षाओं में तुम यह जान गए हो कि पत्र किसे कहते हैं और पत्र कैसे लिखा जाता है। तुम यह भी जान चुके हो कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, जैसे प्रधानाचार्य, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि। अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। अब हम दोनों प्रकार के पत्रों के बारे में अलग अलग समझेंगे। औपचारिक पत्र संबंधी विशेष बातें इस प्रकार हैं। पत्र बाईं ओर से शुरू किया जाना चाहिए। सबसे पहले अधिकारी का पद व कार्यालय का पता लिखा जाना चाहिए। उसके बाद दिनांक लिखते हैं। विषय लिखकर पत्र के लिखने का कारण बताया जाना चाहिए। नई पंक्ति से शुरू करते हुए पहले अपना परिचय दिया जाना चाहिए, साथ ही पत्र क्यों लिखा जा रहा है उसे स्पष्ट करो। अगले परिच्छेद में मुख्य विषय स्पष्ट करो। अंतिम परिच्छेद में प्रार्थना और धन्यवाद दो। अंत में भवदीय अथवा भवदीया लिखो। यदि अध्यापक या प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्य अथवा शिष्या लिखकर अपना नाम व कक्षा लिखो। यदि किसी अधिकारी को पत्र लिखा हो तो अपना नाम व पता लिखो। औपचारिक पत्र में सामान्यतः अभिवादन नहीं होता है। इसमें महोदय, श्रीमान जी, मान्यवर, महोदया आदि संबोधनों का प्रयोग किया जाता है तथा अंत में अपने लिए भवदीय अथवा भवदीया, निवेदक अथवा निवेदिका या प्रार्थी आदि का प्रयोग होता है। औपचारिक पत्र का एक उदाहरण पढ़ते हैं। आर्थिक सहायता के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। प्रधानाचार्य महोदय, विश्वकर्मा पब्लिक स्कूल, महात्मा गांधी रोड, नई दिल्ली। दिनांक 25 फरवरी। विषय आर्थिक सहायता हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं अ का छात्र हूँ। पिछले सप्ताह मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था, इसी कारण अब उनकी नौकरी छूट गई है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अब मेरे लिए स्कूल की फीस देना संभव नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। महोदय, हर वर्ष मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा मैंने कई प्रतियोगिताओं में भी प्रथम व द्वितीय स्थान लेकर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आशा है आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रमोद अग्रवाल, कक्षा 5 अ, अनुक्रमांक 26। आओ अब जानें कि अनौपचारिक पत्र की क्या विशेषताएं हैं। अनौपचारिक पत्र संबंधी विशेष बातें इस प्रकार हैं। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखो, उसके नीचे दिनांक लिखो, इसके बाद संबोधन और उसके नीचे यथोचित अभिवादन लिखो। अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता है। इसके बाद पत्र लिखने का कारण और आवश्यक बातें लिखो। इसके बाद अपने बारे में लिखने के बाद छोटे बड़ों को स्नेह अथवा प्रणाम आदि लिखना चाहिए। अंत में आपके पत्र की प्रतीक्षा में आपका अथवा आपकी प्रिय पुत्र अथवा पुत्री, भाई अथवा बहन आदि लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आयु, संबंध तथा पद के अनुसार संबोधित किया जाता है। इनमें अपने बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम आदि संबोधनों और अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है। छोटों के लिए प्रिय, चिरंजीव, सौभाग्यशाली, सदा खुश रहो आदि संबोधनों और अभिवादनों का प्रयोग किया जाता है। बराबर वालों के लिए बंधुवर, प्रिय बंधु,
प्रिय मित्र, सखी, सप्रेम नमस्कार, नमस्ते आदि संबोधनों और अभिवादन सूचक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। अपने लिए आपका आज्ञाकारी पुत्र अथवा पुत्री, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा अपना अथवा तुम्हारी अपनी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आओ अनौपचारिक पत्र का उदाहरण पढ़ें। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखो। 16/24 गणेश कुंज, अरविंद मार्ग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। दिनांक 20 नवंबर 2000। प्रिय मित्र अखिलेश, सस्नेह नमस्ते। कल दीदी का पत्र मिला, उससे ज्ञात हुआ कि इस बार तुमने अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भाषण देना अच्छा लगता है और तुम्हारे दादाजी तुम्हें इस ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। आज तुमने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके उनका नाम रोशन कर दिया। हम सभी की ओर से बधाई स्वीकार करो। तुम्हारा अभिन्न मित्र अमित। सलोनी ने अपने बड़े भाई को पत्र लिखा, लेकिन उसमें कुछ शब्द लिखना भूल गई। तुम उन शब्दों को भरकर पत्र पूरा करो। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर पत्र लिखने का अभ्यास करो।